गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोमैड नक्स। सो आज है डेट 21st of December एंड मैं अभी हूँ लोतक लेक के पास एंड ये लोकेशन है सेंड्रा में। सो अभी मैं जाऊँगा मिजोरम की ओर, एक और नया स्टेट। तो बी रेडी फॉर द एडवेंचर। एंड अभी यहाँ से मेरे को जाना है, अभी तो मैं सेंड्रा में हूँ, यहाँ से इम्फाल ऑलमोस्ट आपका 44 किलोमीटर्स है। इम्फाल से उसके बाद सिलचर जाऊँगा, सिलचर से बहुत लंबा जर्नी है, वो मैं बताऊँगा धीरे धीरे करके। बट कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अमेजिंग फील हुआ। एंड मैं अभी जहाँ हूँ ये टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे रूम है खाली सा एंड यहाँ से व्यू देख सकते हो यार, अमेजिंग व्यू यार। मतलब मॉर्निंग आपका ये देख के बहुत अच्छा हो सकता है। एंड मीट दिस क्यूट बॉय। हे हे, वो भाग गया, वो शर्मा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो व्यू देखो, बहुत प्यारा व्यू है। हाय। सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा कहीं चल के एंड उसके बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ूँगा। एक और स्टेट जा रहा हूँ मैं, मिजोरम। सो लंबा जर्नी है यहाँ से, अप्रॉक्स 500 to 600 किलोमीटर्स है। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, हिचहाइकिंग ट्राई करूँगा। ठंड अभी बहुत ज़्यादा है बिकॉज धूप नहीं निकला है। तो चलो मिलते हैं आप लोग से। गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड मैं निकल पा रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर, जो कि है मिजोरम। बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से तो। एंड ये जो प्लेस है सेंड्रा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। सो आई डोंट नो मेरे को अभी लिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ट्राई करूँगा बिकॉज यहाँ से मोयरंग पहुँच जाऊँ एंड मोयरंग से मिल सकता है लिफ्ट। यहाँ से मोयरंग कुछ ही किलोमीटर है, तो वहाँ तक चलते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। आज लगता है कहीं स्टे ही करना पड़ेगा फिर से। चलो फिर मिलते हैं, टिल देन स्टे कनेक्टेड। तो आज की फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है भैया से। थैंक यू सो मच। योर नेम रोमन? रोमन, थैंक यू सो मच कोइंग भैया। सो अभी ये मोयरंग बाजार तक जा रहे हैं एंड वहाँ भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ से फिर नीचे ट्राई करूँगा। सो मैं मोयरंग पहुंच गया हूं एंड थैंक्स टू भैया। तो अभी यहां से मेरे को इम्फाल जाना है। इम्फाल, इफ आई वांट टू गो टू सिलचर देन व्हाट्स द बेस्ट रूट? ओके, यू विल गेट वेगो फ्रॉम इम्फाल। इम्फाल? या तो इम्फाल जाके ही पता चलेगा वहां का, सिलचर का जाने का, बिकॉज मिजोरम उधर ही से पड़ता है। तो चलो अभी मिलते हैं आपसे। सो गाइस, मिजोरम जाने के दो रास्ते हैं। यहाँ से मैं जहाँ हूँ मोयरंग है, तो मोयरंग से आप बिशुनपुर जाओ, बिशुनपुर से सिलचर होके फिर आइजोल, और फिर ऐसा कर सकता हूँ कि फिर से मेरे को नागालैंड इंटर होना पड़ेगा। दीमापुर तक जाओ, फिर आसाम घूम के फिर मिजोरम। देखते अभी क्या प्लान बनता है, उसी अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा आप लोग को। बिशुनपुर वाला रूट जो है वो सही है, बट इन द सेंस उसमें लिफ्ट मिलना मुश्किल है, ऐसा सुना है मैंने। बट देखते हैं, वही रूट ट्राई करेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर स्टे करना पड़ेगा आज कहीं पे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, 9:30 हो रहा है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक जा पाते हैं। सो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे एंड ये हाईवे डायरेक्ट ये जाता है आपका इम्फाल एंड बिश्नुपुर। तो देखते हैं लिफ्ट कहाँ तक का मिलता है, वेट रहेगा अभी भी। अभी बज रहे हैं 9:30 एंड ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है अभी, बट पहले जल्दी पहुंचना है। सो गाइस, आज की दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है, सर ने दी है, थैंक यू सो मच। योर नेम? थंगवाय। थंगवाय, तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ने। तो सर डायरेक्ट इम्फाल जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ अभी इम्फाल जा रहा हूँ, वहाँ से फिर हिचहाइक करूँगा टू सिलचर। तो सिलचर वहाँ से जा सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू मिजोरम, तो इम्फाल से आई कैन गो या फिर बिश्नुपुर। बिश्नुपुर, बिश्नुपुर आल्सो यू कैन, आई कैन गो, आई कैन गो, बट द मोड ऑफ मतलब सुने हैं ऐसा ट्रांसपोर्टेशन उतना चलता नहीं है वहाँ, ट्रांसपोर्ट लेस ट्रांसपोर्टेशन है, यही पंगा। चलो अभी इम्फाल चल रहे सर के साथ, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो ये सब जितना आप देख रहे हो गाइस, ये सब बिश्नुपुर डिस्ट्रिक्ट है, बाजार है ये बिश्नुपुर का। एंड आगे से एक रास्ता जाता है बिशुनपुर, बिश्नुपुर से, तो वो डायरेक्ट फिर मिलेगा नीचे मिजोरम में, बट वो रास्ता में लेस ट्रैफिक है, बहुत कम ट्रैफिक है। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अभी इम्फाल एंड ये रहा इम्फाल सिटी फिर से। सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं इम्फा, अभी यहाँ पे उतरते हैं, बैग वैग उतारते हैं एंड उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। अभी मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ तो बहुत ज़्यादा भूख लगे था, कॉज सुबह में भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट प्लस लंच इक्वल टू ब्रंच। तो अभी मैं जाऊँगा यहाँ से, आंटी से पूछ रहा हूँ मैं, तो ये बोल रही है ये वाला रूट है नहीं एंड मैप में ये शो कर रहा है, मिल जाएगा उस रूट में बिष्णुपुर वाला जो आया हो, बिकॉज अगर ये नहीं जाएगा तो फिर वापस से जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है मिजोरम का, जैसा होगा मैं अपडेट दूंगा। एक दफ़ा लग रहा है जाऊँ, एक दफ़ा लग रहा है नहीं जाऊँ, बट जाना तो बनता है, बिकॉज इतनी दूर आके फिर मिजोरम नहीं घूमो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो अभी खाते हैं एंड उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है अभी कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ मिजोरम, बट जहाँ से मैं आया हूँ चुचानपुर साइड से, मोयरंग चुचानपुर उसके आगे है, तो वहाँ से रास्ता जाता है विष्णुपुर से एंड इधर से रास्ता शो नहीं कर रहा है ना मैप में ना लोकल लोग बोल रहे हैं। तो अभी सोच रहा हूँ कोहिमा निकलूँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने, बिकॉज मेरे को क्रिसमस ही सेलिब्रेट करना है, देखना है मेरे को क्रिसमस। सो अभी चल रहे कोहिमा फिर से क्रिसमस सेलिब्रेट करने, तो मिलते हैं। अभी यहाँ से जाना है हाईवे तक एंड वहाँ से फिर हिचहाइक ट्राई करेंगे, तो मिलते हैं वहाँ पे। चलो 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं ऑटो में भी हूँ एंड ये ऑटो मेरे को कोरंग बाजार ड्रॉप करेगा, वहाँ से 130 किलोमीटर है कोहिमा से, तो बहुत ज़्यादा लाइक 5 किलोमीटर तो चलता हूँ, बट ये जो बैग है तो बहुत ज़्यादा हैवी है। सो अभी ऑटो से हूँ एंड ऑटो मेरे को ड्रॉप करेगा कोरंग बाजार, चलो मिलते हैं वहाँ से हिचहाइक ट्राई करेंगे। आ चुका हूँ अभी हाईवे पे, यही मेन हाईवे है जो जाएगा डायरेक्ट कोहिमा, फिर से कोहिमा का जर्नी स्टार्ट है, बिकॉज क्रिसमस है तो मिजोरम ना जाके मैं कोहिमा जा रहा हूँ। मिजोरम जाऊँगा बट अभी नहीं, अभी के लिए कोहिमा चलते हैं एंड वहाँ सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस। कोहिमा के लिए लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है मिलना, तो थैंक यू सो मच। योर नेम? गगन। गगन, तो गगन भैया ने लिफ्ट दिया है। अभी 1-2 किलोमीटर आप जा रहे हो? 1-2 किलोमीटर अभी जा रहे हैं वहाँ पे, तो इनके साथ चलते हैं फिर वहाँ से ही चेक ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। तो वो भैया जो थे वो छोड़ के गए एंड वो भैया थोड़ा बहुत जानते थे हिचहाइक के बारे में, बिकॉज वो भी ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं, तो उन्होंने इजिली रोक दिया था। तो ऐसे कोई बंदे रहते हैं जो यूट्यूब देखता है ट्रैवलिंग रिलेटेड, तो वो रोक देते हैं। तो अभी यहाँ से हिचहाइक ट्राई करते हैं एंड फिर देखते हैं कब लिफ्ट मिलता है कब नहीं। तो भाई अभी दूसरी लिफ्ट मिली है कोहिमा के लिए एंड ये भाई साहब है, आपका नाम क्या हुआ? साधन छेत्री। क्या? साधन छेत्री। तो भाई लिफ्ट दिए है कितना किलोमीटर तक का? 25 किलोमीटर स्कूटी से लिफ्ट मिला है। तो चलो इनसे बात करते हैं, मजे करते हैं, रास्ते में ऐसे ही सफर कट जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो सोच रहे होंगे अभी लिफ्ट लिया था फिर यहाँ कहाँ से आ गया। ये देखो पहले व्यू, देखो व्यू चेक करो यहाँ पे विलेज लाइफ। तो भैया ने लिफ्ट दिया था मुझे, तो वो भैया मेरे को अपने घर पे लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये रहा पूरा उनका गार्डन, घर बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त है एंड ये रहे वो। हाय बोल दो यार एक बार। हाय एवरीवन। तो यहाँ पे मैं आज स्टे करने वाला हूँ, आज रात यहाँ पे स्टे करूँगा। नज़ारा बहुत ही प्यारा है यहाँ से, विलेज लाइफ। फील्ड भी है यहाँ पे। तो आज रात का मेरा यहीं पे स्टे है एंड कल सुबह फिर मैं निकलूंगा कोहिमा के लिए, बिकॉज यहाँ से कोहिमा 93 किलोमीटर्स है एंड आज इसलिए नहीं गया कि रात भी हो जाता है एंड भैया भी इनवाइट किए थे मेरे को घर पे, तो यहाँ भी आ गया। तो आज मैं यहीं पे स्टे है, सो आज बस इन फैमिली के साथ रहना है एंड बस बातें करनी है और कल वे टू कोहिमा। ऑसम व्यू। चलो फिर मिलते हैं आप लोग से कल। एंड भाई एक चीज़ है, हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है एंड यस मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, कॉज यार कभी ऐसा उम्मीद नहीं रहता है मेरे को कि ऐसा सीन होने वाला है या फिर होगा, बट यस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ काइंडली विजिट फॉर मणिपुर। हाँ एक बार ज़रूर है मणिपुर ज़रूर आओ यार आप लोग, मणिपुर बहुत ही प्यारा स्टेट है। अभी मैं मणिपुर में ही हूँ, यहाँ से माओ अब आएगा मणिपुर और जो नागालैंड का बॉर्डर है माओ, माओ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से नागालैंड फिर स्टार्ट होगा माओ के बाद। अभी मैं मणिपुर में ही हूँ एंड ये देख सकते हो मणिपुर का सीन,
मणिपुर आओ यार, आप लोग भी आओ मणिपुर, बहुत अच्छा है एंड बहुत सारा कुछ घूमने को है यहाँ पे, मतलब अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है अभी तक मणिपुर भी हुआ है, बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं बट स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है, विलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये देखो यहाँ पे ये अपनी अपनी खेती है ना मूली, अपनी खेती में ये हम लोग ने किया है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद में ये हम लोग ये करते हैं कि जो नेपाली का सब्जी होता है उसमें डाल के उसका, तो भैया नेपाल से हैं, नेपाल से रहने के आप नेपाल से हो ना फिर? नहीं, मणिपुर में हूँ, पैदा हूँ लेकिन बिहार में भी रहता हूँ। अच्छा भैया ना मणिपुर में, मतलब यहाँ पे जो भैया रहते हैं यहीं पे लेकिन है बिहार से भी थोड़ा, तो मेरे को मिले थे ये बहुत पीछे मिले थे, जो वो कार वाले भैया ड्रॉप किए थे वहीं से ये मेरे को मिले थे, वहां से डायरेक्ट अभी यहाँ पे आए हैं इनके यहाँ पे। चलो आज का दिन एंजॉय करेंगे इनके साथ। कल सुबह आप लोग को आपको जहाँ पहुँचना है क्या कुछ करना है? नहीं, नहीं, कर लेंगे। अरे शुक्रिया शुक्रिया भैया, हमारे पास है अभी जैसे भी हो छोटा मोटा हो गांव में रहता है यार, खाना पीना खाएंगे और चलो गाइस मिलते हैं आप लोग से कल कल सुबह, और देखते हैं अगर विलेज एक्सप्लोर थोड़ा बहुत करेंगे इधर उधर जाएंगे तो वो भी सीन कैप्चर करेंगे आप लोग को दिखाएंगे। तो भाई लोग अभी चाय वाय पी लिया मैंने भैया के यहाँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ कुकी ट्राइब के पास, यहाँ कुकी ट्राइब रहती है मणिपुर में। तो ये कौन सा विलेज है? ये खारखोला है। खारखोला ये कालापाड़ का थोड़ा ऊपर खारखोला है। खारखोला खारखोला विलेज है ये, तो ऊपर कुकी ट्राइब्स रहती है एंड क्रिसमस एज यू नो आ रहा है तो ऊपर चल रहे एक्सप्लोर करने विलेज एरिया। तो अभी चलते चलते हम लोग को ये कुछ दिखा ऐसा नज़ारा, टॉप ऑफ द रोड। चलिए लेट्स गो। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी किस्मत। रोड काफ़ी, अभी रोड सही हो गया है, वैसे रोड थोड़ा कहीं कहीं ख़राब है, वैसे तो ठीक है बट ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी से ठंड लग रहा है तो रात में बुरा हाल होने वाला है। वैसे तो मैं घर में रहने वाला हूँ, कोई पंगा नहीं है, जा रहा हूँ ट्राइब विलेज, अभी बस ट्राइब्स एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ चल के कुकी ट्राइब से मिलते हैं एंड बातचीत करेंगे उन लोग से भी। वो लोग समझते हैं हिंदी? हिंदी समझते हैं वो लोग भी भाई। मोस्ट क्लीनेस्ट विलेज अभी तक मेरे को ये चीज़ दिखा है यहाँ पे, ये रहा चर्च। चर्च का कौन सा है? ये वाला ना, ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ये चर्च है एंड ये फुटबॉल ग्राउंड। ये देखो गाइस यहाँ से नज़ारा, ये फुटबॉल ग्राउंड एंड वो चर्च, बहुत ही प्यारा लग रहा है। क्लीनेस्ट विलेज है यहाँ पे, ठंड बहुत ही ज़्यादा है यार। हेलो आंटी, कैसे हो? हाउ आर यू? अच्छी है, आप हिंदी बोल लेते हो? क्यों नहीं, बिल्कुल बोल सकता है। तो आंटी कुकी ट्राइब की है? कुकी ट्राइब की है। ओ, कहाँ से आया? मैं बिहार से। अच्छा। बिहार से आया मैं। आपका नाम क्या है? लंबोई नुंगायरी वो नुंगायरी मणिपुरी भी मालूम हो गया मैं भाई जहाँ पे जाता हूँ थोड़ा बहुत तो सीखता ही हूँ, तो नुंगायरी वो मैं बोला मतलब हाउ आर यू, तो बोलती नुंगायरी मतलब आई एम फाइन। आंटी आप कुकी, जैसे कुकी ट्राइब में क्या कल्चर्स क्या है यहाँ कुकी ट्राइब के? क्रिसमस आ रहा है ना, जैसे आप लोग का ड्रेसिंग भी है क्या? ड्रेसिंग ट्राइब्स का कोई ड्रेस व्रेस है? अच्छा है, स्टार्टिंग नहीं हुआ इसलिए नहीं पहना। तो क्रिसमस में आप लोग जैसे क्या सेलिब्रेशन बस करता है? 24 नाइट तो हाँ सब लड़की लड़का लोग गाना गा के। अच्छा अच्छा। 12 बजे को ठहरना है। 12 बजे 24 तारीख को रुकता है। 24 तारीख को लोग मतलब चर्च में जाते हैं एंड वहाँ पे रुकते हैं, तो वही 12 बजे तक ना। हाँ हाँ। 12 बजे में प्रार्थना करके घर जाने वाला लोग जाएगा 12 बजे। अच्छा, फिर 25 तारीख को पार्टी होगा। हाँ, पार्टी क्या तो मेरे को बुलाएगा पार्टी में? हम लोग का खाना खा सकता है क्या? मैं खाता हूँ ना। अच्छा। हाँ जाऊंगा मैं, नागालैंड में भी रहा हूँ। अच्छा। नागालैंड में मतलब मेरे को 15-16 दिन में रहा हूँ नागालैंड में। ये कौन सा विलेज है? हाईपी विलेज। हाईपी हाईपी बपिस चर्च वो है ना? अभी वहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है, जो मैंने वो बोर्ड दिखाया था हाईपी बपिस चर्च वो है। लोकेशन तो बहुत ही प्यारा है आंटी, कैसे है? मोस्ट क्लीनेस्ट प्लेस भी है। बहुत ज्यादा साफ सुथरा आपका विलेज है।
मतलब कहीं कुछ नहीं, कहीं मतलब बहुत अच्छा रोड है, सही में बहुत क्लीन विलेज है ये। हेलो, हाय बॉय। तो वो ये थी आंटी यहाँ की लोकल, अच्छा लगा बात करके। तो कल्चर, इन लोग का भी अपना अपना ड्रेस है कुकी ट्राइब्स का। तो यहाँ पे जैसे ट्राइब्स बहुत है, मणिपुर में भी ट्राइब्स है, ट्राइबल एरिया है, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी। एंड ये रहा चर्च, तो चर्च चले ऊपर देखते हैं। हेलो, ये कौन है? हाय, ये कैसे तुम रखे हो? हाँ, यहाँ पे जितने भी जैसे आंटी लोग को भी क्लोथिंग देखे तो वैसे ही बच्चे लोग को पीछे कैरी करने का मतलब ऐसे ही है ये। तो ये रहा चर्च यहाँ का, जो कि प्रिपरेशन चल रहा है अभी चर्च का। हेलो। तो लो जी, खाना रेडी है। मछली भैया ने जो बनाया है, मछली बहुत ही अच्छा कुक है। ये पापड़ चावल सब चीज़ है, तो अभी खाते हैं एंड उसके बाद कल मिलते हैं आप लोग से, कॉज रात हो चुका है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, 6 बज रहा है, बट जल्दी खा के फिर बातें करेंगे आंटी लोग से। तो यहाँ पे थाली वाली लग गया है एंड अभी खाना खाते हैं। बहुत ही अमेजिंग खाना लग रहा है, टेस्ट बहुत ही ऑसम होने वाला है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। चलो कल मिलते हैं आप लोग से मॉर्निंग में। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाय छोटे, हाय।